brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. Namaste. मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। साल 2009, तारीख 30 जून। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के पास यूएस आर्मी की एक चेक पोस्ट पर 23 साल के सार्जेंट बो बर्गडाल की तैनाती थी। बर्गडाल 2008 में सेना में भर्ती हुआ था। ड्यूटी के पहले ही बरस में उसे अफगानिस्तान भेज दिया गया था। 30 जून 2009 को बर्गडाल ने अपना पोस्ट छोड़ दिया। उसने ऐसा क्यों किया ये आज तक पता नहीं चल सका है। वो पहले भी ट्रेनिंग के दौरान ऐसी हरकत कर चुका था, लेकिन उस दिन पोस्ट से हटने के कई घंटे बीतने के बाद भी वो वापस नहीं लौटा। अमेरिकी सैनिकों ने कई दिनों तक इलाके में पड़ताल की, मगर बर्गडाल का कोई अता पता नहीं था। बर्गडाल तो नहीं मिला, लेकिन 3 दिनों के बाद एक खबर मिली। क्या? यूएस आर्मी का बयान आया कि उनका एक सैनिक हक्कानी नेटवर्क के कब्जे में है। वो सैनिक बो बर्गडाल ही था। उसे किडनैप कर बॉर्डर पार पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान ले जाया गया था। ये जगह लंबे समय से हक्कानी नेटवर्क की पनाहगाह है। नेटवर्क की स्थापना सोवियत अफगान वॉर के दौरान हुई थी। जलालुद्दीन हक्कानी के बीमार पड़ने के बाद नेटवर्क की कमान उसके सबसे बड़े बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी ने संभाली। सिराजुद्दीन FBI की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में शामिल है। उसके ऊपर 37 करोड़ रुपये का इनाम भी है। हक्कानी नेटवर्क की दो पहचान और है। पहली, इस संगठन को यूनाइटेड नेशंस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बैन कर रखा है, और दूसरी, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान एक दूसरे के लंगोटिया साथी हैं। अमेरिका ने बर्गडाल को छोड़ने के लिए तालिबान से बात शुरू की। ये बातचीत मई 2014 तक चली। इस बीच में तालिबान इंटरनेट पर बर्गडाल के वीडियोज रिलीज करता रहा। इन वीडियोज में बर्गडाल खुद को बचाने की गुहार लगाता दिखता। किडनैपर्स ने उसे बेतरह टॉर्चर किया। उसके पूरे चेहरे पर चोट के निशान होते थे। उसे ठीक से खाने और सोने तक नहीं दिया जाता था। बो बर्गडाल अफगानिस्तान वॉर में दुश्मनों के कब्जे में गया पहला और इकलौता अमेरिकी सैनिक था। इस बीच बर्गडाल के माता पिता ने स्टैंड विद बो नाम से एक कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन के पोस्टर्स में लिखा होता था, ही फॉट फॉर अस, लेट्स फाइट फॉर हिम, यानी उसने हमारे लिए जंग लड़ी, अब उसके लिए खड़े होने की बारी हमारी है। धीरे धीरे लोगों का हुजूम इससे जुड़ता चला गया, लेकिन अमेरिका में ही एक बड़ा धड़ा बर्गडाल के खिलाफ था। इनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप भी थे, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ट्रंप ने पब्लिक स्पेस में बो बर्गडाल को गद्दार कहा था। उन्होंने बर्गडाल को गोली मार देने की भी बात कही थी। हालांकि बर्गडाल की रिहाई वाले कैंपेन की गूंज व्हाइट हाउस तक पहले पहुंची। इस कैंपेन का असर दिखना तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने तालिबान के साथ कैदियों की अदला बदली को लेकर मीटिंग शुरू की। इन मुलाकातों में कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। होते होते 5 बरस बीत गए। 31 मई 2014 को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बो बर्गडाल की रिहाई तय हो गई है। बदले में अमेरिका ने ग्वांतनामो बे के जेल में बंद 5 कुख्यात तालिबानी नेताओं को छोड़ने की शर्त मान ली थी। इन सभी तालिबानी नेताओं को 9/11 के हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था। इनमें से कुछ ओसामा बिन लादेन के करीबी भी थे। ओबामा के ऐलान का अमेरिका में जबरदस्त विरोध हुआ। कहा गया कि सरकार आतंकी खतरे को नजरअंदाज कर रही है। यह भी आशंका जताई गई कि तालिबान के टॉप लीडर्स की रिहाई अमेरिका के लिए घातक होगी। साथ ही इससे तालिबान का मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा, जो अंत में अमेरिका को ही भारी पड़ेगा। आलोचनाओं से घिरे ओबामा कुछ दिनों के बाद फिर से मीडिया के सामने आए। इस बार उन्होंने अपने फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा, अगर रिहा हुए तालिबानी नेताओं से हमारी सुरक्षा को खतरा हुआ तो हम फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। खैर, कैदियों की अदला बदली पूरी हो गई। 5 तालिबानी नेताओं को कतर ले जाकर छोड़ दिया गया। समझौते की शर्त के अनुसार उन्हें 1 साल तक कतर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। 31 मई 2014 को ही अफगानिस्तान के खोश्त में तालिबान ने बो बर्गडाल को रिहा कर दिया। उसे पहले जर्मनी ले जाया गया। वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। बाद में उसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चला। अक्टूबर 2017 में बर्गडाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उसे जेल की सज़ा तो नहीं दी, लेकिन उसका रैंक घटा दिया गया। उसके ऊपर $10,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही उसे समय से पहले सर्विस से डिस्चार्ज करने का आदेश दिया गया। बाकी सजा तो नवंबर 2017 से लागू हो गई। हालांकि डिस्चार्ज करने के आदेश पर कोर्ट में अपील पेंडिंग है। ये तो हुई सार्जेंट बो बर्गडाल की ब्रीफ प्रोफाइल।
उसके एवज में छोड़े गए 5 तालिबानी नेता कौन थे और अब वो कहाँ हैं, उनके साथ आगे क्या हुआ और ये कहानी हम आज क्यों सुना रहे हैं, सब विस्तार से बताएंगे। काबुल पर कब्जे के 3 हफ्ते बाद तालिबान ने अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है। 30 अगस्त को अंतिम अमेरिकी सैनिक के निकलते ही अफगानिस्तान में 20 साल से चल रही लड़ाई का अंत हो गया। तभी से अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। कई दिनों तक टालने के बाद आखिरकार तालिबान ने 7 सितंबर को अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात भी घोषित कर दिया गया है। अंतरिम कैबिनेट में कुल 33 लोगों को रखा गया है, इसमें एक भी महिला नहीं है। अंतरिम सरकार में पश्तूनों का बोलबाला है। तालिबान ने कहा है कि स्थायी व्यवस्था होने तक यही लोग कार्यवाहक सरकार चलाएंगे। अब कैबिनेट में शामिल हुए चर्चित चेहरों के बारे में जान लेते हैं। तालिबान ने कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी मौलाना मोहम्मद हसन अखुंद को सौंपी है। अखुंद को तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के करीबी के तौर पर जाना जाता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार मुल्ला अखुंद को तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुंदजादा का वरदहस्त प्राप्त है। अखुंदजादा को लंबे समय से पब्लिक स्पेस में नहीं देखा गया है, उसके सिर्फ आदेश जारी होते हैं। जहां तक मुल्ला अखुंद की बात है, उसका जन्म कंधार में हुआ था, वही शहर जहां 1994 में तालिबान की नींव रखी गई है। पिछले तालिबान सरकार में उसने डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर का पद भी संभाला था। 2001 में अमेरिका के हमले के बाद तालिबान की टॉप लीडरशिप पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद रहबरी शूरा का गठन किया गया था, इसे क्वेटा शूरा के नाम से भी जाना जाता है। मुल्ला अखुंद ने तालिबान के उभार और सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई है। यूनाइटेड नेशंस ने मुल्ला अखुंद को प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट में रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। मुल्ला अखुंद के 2 डिप्यूटी भी बनाए गए हैं। इसमें सबसे चर्चित नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। बरादर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तालिबान का चेहरा है। मुल्ला बरादर का जन्म भी कंधार में हुआ था। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले के बाद मुजाहिदीन गुटों ने मोर्चा खोल दिया। इस मोर्चे में बरादर भी शामिल हुआ। उसने मुल्ला उमर के साथ मिलकर सोवियतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाद में दोनों ने मिलकर कंधार में तालिबान की नींव रखी। साल 2001 में तालिबान सरकार के पतन के बाद मुल्ला बरादर पाकिस्तान भाग गया। उसके बारे में फिर खबर आई साल 2010 में। पता चला कि ISI के एक ऑपरेशन में मुल्ला बरादर कराची में अरेस्ट हो गया। उसे 2018 तक पाकिस्तान ने कैद में रखा। फिर अमेरिका का दबाव आया तो उसे जेल से निकालकर कतर भेज दिया गया। अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकालने के मसले पर तालिबान से डील कर रहा था। कतर में 2013 से तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस काम कर रहा है। जनवरी 2019 में मुल्ला बरादर को तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस का मुखिया बना दिया गया। अमेरिका के साथ हुई पीस डील में उसने तालिबान का पक्ष रखा था। काबुल पर कब्जे के 2 दिन बाद मुल्ला बरादर वापस अफगानिस्तान लौटा। 2001 के बाद पहली बार चर्चा थी कि नई सरकार में मुल्ला बरादर को सर्वोच्च राजनीतिक पद मिलेगा। मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत के बाद उसे तालिबान का डिफैक्टो हेड माना जा रहा था। उसे नई सरकार में उप प्रधानमंत्री का पद हासिल हुआ है। जानकारों का मानना है कि तालिबान का यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला है। तालिबान की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बनाया गया है मौलवी मोहम्मद याकूब को। मोहम्मद याकूब तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का बेटा है। तालिबान के मिलिट्री कमीशन की कमान उसी के हाथों में है। उसे तालिबान विरोधियों की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जाता है। तालिबान में मुल्ला उमर की ईश्वरीय छवि है। मोहम्मद याकूब उसका अपना खून है, इस वजह से भी तालिबान में उसका सम्मान है और यही तथ्य तालिबान को एकजुट रखने में उसकी भूमिका को मजबूत करता है। अब चलते हैं गृह मंत्रालय की तरफ। गृह मंत्री की कुर्सी पर जिसे बिठाया गया है वो एक घोषित इनामी आतंकवादी है। नाम सिराजुद्दीन हक्कानी। उसकी छवि रहस्यमयी है। इंटरनेट पर सिराजुद्दीन की सिर्फ एक ही तस्वीर दिखती है, वो भी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में। अफगानिस्तान में विदेशी नागरिकों के अपहरण और उनकी हत्या में हक्कानी नेटवर्क का सीधा हाथ रहा है। फिरौती वसूलने से लेकर ड्रग्स की तस्करी तक में हक्कानी नेटवर्क की भूमिका रही है। इतना ही नहीं, विदेशी दूतावासों पर हमले की जिम्मेदारी भी हक्कानी नेटवर्क ने ली है। सिराजुद्दीन हक्कानी इसी गुट का मुखिया है। जाहिर सी बात है, ये सभी कांड उसी के आदेश पर हुए होंगे। आतंक फैलाने के अनुभव को देखते हुए तालिबान ने उसे गृह मंत्रालय सौंपा है।
ये नियुक्ति अपने आप में तालिबान के उस दावे को बेपर्दा करने के लिए काफी है जिसमें उसने कहा था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। ये तो हुई कुछ चर्चित चेहरों की चर्चा। आपको वो बर्गडाल की कहानी याद है जो हमने अभी एपिसोड की शुरुआत में आपको सुनाई थी। बर्गडाल के एवज में अमेरिका ने 5 तालिबानी नेताओं को रिहा किया था। जैसी कि आशंका जताई जा रही थी, ये रिहाई बाद में अमेरिका पर ही भारी पड़ेगी। बात यहां तक पहुंची थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रिहाई के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील भी की, लेकिन व्हाइट हाउस पर उस समय कोई और ही धुन सवार थी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि 5 नेताओं को कतर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और ना ही उन्हें अफगानिस्तान की राजनीति में हिस्सा लेने दिया जाएगा। असल में क्या हुआ, भरोसा टूट गया, आशंका सच हो गई। इन 5 तालिबानी नेताओं को गिटमो 5 या तालिबान 5 के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान में इनसे अधिक कट्टर और कोई नहीं है। रिहाई के बाद इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों से संपर्क किया, फिर उनके साथ मिलकर अमेरिका को बाहर भेजने का प्लान भी बनाया गया। जब अमेरिका ने दोहा में तालिबान के साथ पीस डील पर बात शुरू की तो उनके सामने ये 5 भी बैठे थे। तालिबान 5 ने अमेरिका के साथ हुए समझौतों को निर्धारित करने से लेकर काबुल पर कब्जे तक में अहम भूमिका अदा की है। आज तालिबान 5 की कहानी क्यों? दरअसल तालिबान की अंतरिम कैबिनेट में तालिबान 5 के 4 लोगों को शामिल किया गया है। मुल्ला खैरुल्ला खैरख्वा को सूचना और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। पिछली तालिबान सरकार में वो गृह मंत्री था। दूसरा नाम है मुल्ला नरुल्ला नूरी का, उसे बॉर्डर्स एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री सौंपी गई है। तालिबान के पिछले शासन के दौरान वो बाल्ख प्रांत का गवर्नर था। तीसरा नाम है मुल्ला मोहम्मद फाजिल मजलूम अखुंद का, उसे डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मोहम्मद फाजिल पर शिया मुस्लिमों के नरसंहार का आरोप लगाया था। चौथा नाम है अब्दुल हक वासिक का, वासिक को खुफिया विभाग का डायरेक्टर बनाया गया है। पिछली सरकार में वो डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस के पद पर था। तालिबान दावा करता है कि वो बदल गया है, उसने सबको अधिकार देने की बात भी कही है। हालांकि उसके कृत्य इस दावे को झूठा साबित करते हैं। काबुल में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हो या महिलाओं को घरों में बैठने का आदेश, और अब घोषित आतंकियों से लैस सरकार, कथनी और करनी में साफ अंतर दिख रहा है। तालिबान बदल गया है या वो बदलकर और हिंसक और कट्टर हो गया है, अब ये सवाल दुनिया के सामने प्रकट होने लगा है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी मैक्सिको से है। मैक्सिको की सर्वोच्च अदालत ने गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि गर्भपात को अवैध बताकर सजा देना असंवैधानिक है। इस फैसले के बाद पूरे देश में गर्भपात को कानूनी बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। 6 सितंबर को कोहोइला स्टेट के मामले में सुनवाई शुरू की। इस स्टेट में गर्भपात कराने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। यहाँ रेप के मामले में भी गर्भपात की छूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट से इस कानून को हटाने के लिए कहा है। गर्भपात को कानूनी बनाने की मांग को लेकर पिछले साल अर्जेंटीना में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। इसके बाद यह आंदोलन पूरे लैटिन अमेरिका में फैल गया। मैक्सिको में सर्वोच्च अदालत के फैसले को इसी आंदोलन की कड़ी बताया जा रहा है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी इंडोनेशिया से है। 8 सितंबर की सुबह इंडोनेशिया की टंगेरंग जेल के एक ब्लॉक में भयानक आग लग गई। इस आगजनी में 41 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 2 विदेशी भी हैं, एक साउथ अफ्रीका जबकि दूसरा पुर्तगाल का है। जिस ब्लॉक में आग लगी उसमें ड्रग्स क्राइम से जुड़े अपराधियों को रखा गया था। इस ब्लॉक की क्षमता 38 कैदियों की थी, लेकिन वहां तय संख्या से 3 गुना अधिक लोगों को रखा गया था। मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की उचित जांच की मांग की है। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।